दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, ये हमारी हैरो और टिलर है, और ये गन्ना है जो कि पेडी का गन्ना है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं, और ये हमारे खेत की साइड में आरसीसी है। और मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊं, और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों मैं खेतों पर घूमने आया हूँ, और इधर आपको दिखाऊं जो कि एक खजूरी का पेड़ है, और अन्य पेड़ भी इधर खड़े हैं जो कि ये पानी की बरे की डोल पर है। और मैं आगे दिखाऊं, और आगे आगे एक पेड़ है जो कि आपको दिखाऊंगा और क्या चीज़ का है। और इधर देख सकते हैं कुछ लिस्पुट के भी पेड़ है, और ये हमने इधर आप देख सकते हैं इस डोल पे इस साइड में पानी नहीं चढ़ा, हमने अभी ये गन्ना भरा था, और ये अभी इसमें शायद हल्का पानी भरा हुआ। और ये आप पेड़ देख सकते हैं जो कि बेल का पेड़ है। और इधर मैं आपको दिखाऊं अपने गन्ने का व्यू। दोस्तों जिला बिजनौर में लगभग सभी में गन्ना ही होता है, आपको चारों साइड का व्यू दिखा सकता हूँ। यहाँ टोटल में गन्ना है, जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल गन्ना गन्ना ही है। और इधर देख सकते हैं वो पेडी का गन्ना है जो कि काफ़ी ऊंचा है। और मैं आगे अपना खेत पर भी जाऊंगा और यहाँ का भी व्यू दिखा रहा हूँ। और मैं दोस्तों आगे चल रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं ये गन्ना जो कि 038 गन्ना है दोस्तों। और मेरे इधर बैक में ये 038 गन्ना नहीं, ये न्यू गन्ना है। और आगे दिखाऊंगा, और हमारा आज मैं शाम का टाइम आ गया हूँ घूमने, यानी ज़्यादातर मैं सुबह ही घूमने आता हूँ। और आगे आगे चलता हूँ, और ये इसमें इस गन्ने में रोग भी काफ़ी ज़्यादा आया है, और ये आजकल के बछड़े भी बिजनौर जिला बिजनौर में काफ़ी छोटे गए हैं, इस मारो हमारे गन्ना खा रहे हैं, और आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे गन्ने को। लगभग हम रात को भी कई बार देखने आते हैं, और मैं रात की तो वीडियो नहीं बना सकता क्यों, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, इतने इतनी बढ़िया नहीं दिखती। और आपको इधर दिखाऊंगा, और ये गन्ना आप इधर देखूंगा, और इधर गन्ना देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बछड़े ने खाई हुई है, और काफ़ी ज़्यादा है, गुल है, इनमें गुल भी खींची गई है। और ये साइड वाले ने इसमें बाजरा बो रखा है धोरा धोरा, जो कि ये गन्ना अलग है, ये 038 गन्ना नहीं है। और हमने भी आपको दिखाऊं, ये हमने मक्की चरी बो रखी है, और इस बार गन्ना काफ़ी हल्का रहेगा, और हर साल से गन्ने की उत्पादन कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें आगे से रोग समय के अनुसार रोग काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। हमने कई बार खाद डाल दिया है, और यूरिया डाल दिया, डाया डाल दिया, फटेरा भी डाल दिया, कई प्रकार के अन्य स्प्रे भी कर दिए, कोई कोई भी इतना सक्सेस नहीं हो पाए गन्ने में। और मैं आपको आगे आगे का व्यू दिखाऊं, और इधर देख सकते हैं चारों साइड का व्यू। दोस्तों इधर का आप खेत देख सकते हैं जो कि ये पानी के कारण सूख रहा है, और ये गेहूं का गन्ना है, और ये नौलक भी है। और इधर का व्यू दिखाऊं, और इधर ये गन्ना जो है यो पेडी का गन्ना है, ये हमारा है, और इसमें काफ़ी पानी चलता है, और ये कुछ इसमें गन्ना सूख भी रहा। फंगल आपको फंगल दिखाऊं कि किस किस तरीके से सूख रही है, और ये आप देख सकते हैं ये फंगल सूख रही है। और मैं आपको आगे चलकर और दिखाता हूँ, और ये यहाँ मैं गोंडी पे चल रहा हूँ, जो कि ये गोंडी हमारे ही खेत के नज़दीक है। और
आगे और मैं आगे और खेत का व्यू दिखाता हूँ कि उसमें कैसा गन्ना हो रहा है और इसमें काफ़ी कम लागत लगाई जाती है और ना ही गन्ना खोदता है, खुदाई होती है ना ही विधाई। और ये गन्ना आप देख सकते हैं, ये गन्ना आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। इसमें एक तो पानी की कमी है और खाद की कमी है और इसमें लागत भी बहुत काफ़ी कम लगाई जाती है। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं और इस गन्ने को देख सकते हैं, इसमें पानी भी टाइम पे मिला है और खाद भी और अन्य खुदाई और विधाई सभी टाइम पर मिले हैं। और दोस्तों मैं अब आगे जाता हूँ घर, और आपको रास्ते में जो भी मुझे अपना जंगल दिखाई देगा मैं उनको कैप्चर में रिकॉर्ड करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। और यहाँ का दृश्य मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ जिला बिजनौर में लगभग सभी जगह गन्ना ही गन्ना, चारों साइड गन्ना गन्ना दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं अब घर की ओर जा रहा हूँ। ये गन्ना आपको ये आज बांधा गया है ताकि इधर रोड पर गिर जाता है। और आपको आगे दिखाता हूँ, और यहाँ कुछ पॉपलरों के पेड़ हैं और इधर देख सकते हैं टोटल चरी है यहाँ। और यहाँ आपको जो दिखाऊं यहाँ का काफ़ी खूबसूरत। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और आज हम शाम के टाइम में चरी काट के लेकर आए हैं जो कि 5 पुले हैं, और हमने कुटी भी काट दी है अपनी भैंसों के लायक। हमारे पास 2 ही भैंसे हैं और दोनों भैंसे उधर बंद रही हैं। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।